हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लव कुमार सोनी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी और कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे को कमेंट करिएगा नीचे। कुछ बातें ऐसी मेरे मुंह से निकल गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इस वीडियो का पूरा देखिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्या करियर है ये उन्हें पता ही नहीं है। मैंने फाइन आर्ट नहीं करी क्या? मैं भी तो फाइन आर्ट आर्टिस्ट हूँ। क्या मैं ऐसी घूम रहा हूँ गलियों में? मैं ऑलरेडी आई एम ए गवर्नमेंट टीचर। मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। मैं टीचिंग भी कराता हूँ स्कूल में जाके। पीजीटी फाइन आर्ट, आपको पता होगा ट्वेल्थ के अंदर पीजीटी फाइन आर्ट होते हैं जो इलेवेंथ ट्वेल्थ को पढ़ाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो भी हूँ मैं, और साथ में इंस्टीट्यूट भी है अपना, और ये जो अपना क्लासेस वगैरह चलती है ये भी है। तो क्या मैं कुछ नहीं हूँ? क्या मैंने कुछ नहीं करा? समझ लो सही ट्रैक। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या हो जाती है? सही गुरु का होना, साथ में जो तुम्हें गाइड करे, एक गाइड मान लो या मेंटोर मान लो, जो तुम्हें तुम्हें पता ही नहीं है यार, तुम बस दूसरों के कहने पे चले जा रहे हो। आपको पता ही नहीं इस फील्ड में कितने सारे अंदर के अंदर पॉइंट हैं। लोग इतनी बड़े बड़े जो गैलरीज खोल के बैठे हुए हैं, इतनी बड़े बड़े कॉलेजेस खोल के बैठी हुए, गवर्नमेंट इन्हें बंद क्यों नहीं कर देती अगर इसके अंदर बिल्कुल भी करियर नहीं है तो? आपको ये चीज कभी सोचने में नहीं आया? क्यों गवर्नमेंट इन कॉलेजेस के लिए सब्सिडी देती है? क्यों इनको सपोर्ट करती है? क्यों इतने बड़े बड़े क्राफ्ट के मेले लगाती है गवर्नमेंट? बोलते हैं ना ये अपने लगते हैं प्रगति मैदान में, लगते हैं तरह तरह के क्राफ्ट के, हैंडीक्राफ्ट के हुए, क्यों प्रमोट करती है वो? क्या जरूरत है उसको जब बेकार है ये सब चीजें? क्या जरूरत है? सबसे बड़ी बात हो जाती है लैक ऑफ नॉलेज। देखो पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहेंगे, बस उन्हें सही से आप समझा दोगे ना कि ये सब चीजें उन्हें बताओ प्रॉपर, तो वो आपको सपोर्ट करे। आपके लिए तो है वो, किसके लिए बताओ भाई? इतना सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं वो। आप कहोगे उन्हें समझाओ, खुद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। उन्हें लेके जाओ वहां पर, दिखाओ चीजें, समझाओ उन्हें, तो खुद समझ जाएंगे। क्योंकि उनके टाइम पे वो चीज नहीं रही है, उन्हें नहीं पता है। चीजें चेंज हो रही है टाइम के टाइम। उनकी सिचुएशन ये थी कि यार मेरे दोस्त ऐसे करके वो लग गया था तो आज वो सक्सेसफुल है, उनके माइंड में ये चीज है। पर उन्हें ये नहीं पता ना, वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। चीजें बदलती हैं और बदलाव के साथ में हमें भी बदलना होगा, वरना आप पिछड़े कहलाओगे, पिछड़ जाओगे आप। आज भी अगर हम खत के ऊपर ही डिपेंड रहते, जो चिट्ठियां लिखती हैं, तो वो कितने पिछड़ जाते हैं। नहीं यार हम तो यूज नहीं करेंगे, फोन में तो ये निकलती है, वेव्स निकलते हैं, ये होती है, हमें समझ नहीं आता ये वो, तो हम चिट्ठियों पर डिपेंड रहते तो क्या होता है ना? महीने महीने में खबर मिलती थी एक एक, आज तबीयत खराब है, बाद में उसे मिली इतने तो वो उसका हो भी गया काम, तब पता चली हो उसे एक एक महीने बाद। और आज देखो इंस्टेंट, अब तो बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं हम, तो इस चीज का फायदा उठा बेटा। कोई चीज बेकार नहीं है, ज्ञान कभी बेकार हो ही नहीं सकता किसी भी चीज का, समझ गए? ये कोई आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज पे, यहाँ इन्वेस्ट करो ये हमेशा बढ़ेगा ही। यार फोन गाड़ी वाड़ी ये तो सब बात की सेकेंडरी चीजें, मटेरियलिस्टिक है ये तो आराम से ले लोगे, अब यहाँ इन्वेस्ट कर लो। आज कोई चीज खरीदते हो कोई मटेरियलिस्टिक जैसे गाड़ी, और ये डेप्रिसिएशन होता है उसका, तुरंत आधे रेट हो जाते हैं उसके खरीदते। पर जब आप अपनी बुद्धि पे लगाते हो ना कुछ चीज, जब यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा डबल ही होगा। देखना समय के साथ साथ वो चीज बढ़ जाएगी। जो हमने अपने गुरुओं से सीखा या हमने कॉलेज में सीखा, हमने गुरुओं से सीखा, उसके बाद में हमारा एक्सपीरियंस और चीज जुड़ती रही है। इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, जरूरी थोड़ी कॉलेज की हूँ, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं। कॉलेज में तो एक प्रोस्पेक्टर निकाल के दे देते हैं, भाई आपको स्टिल लाइफ आएगी, आपको कॉम्पोजिशन आएगा। बच्चों को यही नहीं पता कॉम्पोजिशन होता क्या, वो तो हमने ढूंढा, हमने करा है उस चीज की। भाई पेपर कैसा आता है ये थोड़ी लिखा हुआ रहता है उसके अंदर, वे टेस्ट के अंदर ये थोड़ी लिखा हुआ होता है कि ये होता है कौन सी पेंसिल बेटर परफॉर्म करेगी, ये चीजें छोटी छोटी, कैसा आपका वहां पर बैठने का तरीका होगा, ये सब थोड़ी ना लिखते हैं उसके अंदर। बच्चा तो गया चला गया हाई फाई में, वहां पता चला रहा है यहाँ तो सिचुएशन ही दूसरी है। तो वो सब अपने एक्सपीरियंस से आता है जो हमने गुरुओं से सीखा है अपने। तो बिना गुरु ज्ञान नहीं है बेटे, कितना ही तुम कोशिश कर लो किसी ना किसी को तो मेंटोर मानना ही पड़ेगा। हर कोई मानता, चाहे कितना भी झूठ बोलता हो कि भाई मैंने ऐसे सीखा ये, या यूट्यूब से सीखा, यूट्यूब पे भी तो किसी को देखते होंगे, उसको भी तो मानते होंगे, वही गुरु होगे। जो भी आपको एक चीज सिखा रहा है वही आपका गुरु है। मैं तो कहता हूँ बुढ़ा जवान बच्चा कोई भी हो, बच्चा ही क्यों ना, उससे भी आपको, बच्चे भी बहुत चीज सिखा जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट लेवल होती है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है। छोटे बच्चों से भी सीखो, हमेशा अपना माइंड ना ऐसा रखना चाहिए सीखने वाला, ठीक है? कभी भी अपने आप को ये मत सर्वप्रथम मत समझो, आपसे भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं इस दुनिया में। भाई हम तो ये है, मैं तो ये हूं, मैं तो आप लोगों से भी सीखता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है? तो हमेशा लर्निंग माइंड रखना, और ये मन में ये रखोगे, ये दिमाग में रखोगे ना, जीवन में कभी मैं बोल रहा हूँ तुम रुक ही नहीं सकते, रॉकेट की तरह जाओगे अगर ये माइंड सेट रख लिया ना आपने सीखने वाली, लालच रखो तो सीखने का, ऐसा वैसा ये तो वैसे पीछे आ जाएंगे आपके, अगर आपका ऐसा हुआ ना माइंड सीखने का, समझ गए? कहीं भी मिल रहा है कुछ भी,
मिल रहा सीखो, फ्री में मिल रहा है, पैसे में मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा, कुछ भी मिल रहा, कुछ भी कह, देखो मैं कह रहा हूँ कोई बंदा गलत है, पूरी तरह से गलत है। अरे यार ये तो बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं कह रहा हूँ उसने 10 मिनट की वीडियो में या 10 मिनट में उसने या 15 मिनट में कुछ भी ऐसी चीज करी उसने, ठीक है, पर कोई बात तो उसमें अच्छी होगी, वो पकड़ लो आप, उसकी जो गलत बात है उसको वो चीज पकड़ो ना। अब उसमें उसकी बुराई ढूंढने से अच्छा ना उसकी अच्छाई ढूंढो, यार इसमें अच्छा क्या है जो कि मेरे को काम आ सकता है। मैंने मोस्टली ऐसे लोग देखे जो कि कमियां निकालते रहते हैं, अरे ये तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है, इसमें तो ये कमी है, इसमें वो तो, इसे वो नहीं आता, इसे ये नहीं आता, और यही रीजन है उसका पिछड़ने का उन लोगों का, वो ये नहीं देखती यार इसमें ये चीज अच्छी है, बेशक इसने ये चीज गलत है लेकिन ये बात इसके अंदर बहुत अच्छी है, उसकी अच्छी चीजें पकड़ो कि भाई वो टाइम का पंचुअल रहा है हमेशा, या इसके अंदर ये बात अच्छी है कि इस चीज की जरूर ये प्रैक्टिस करता है। हमें वो चीज कैसे अपने लाइफ स्टाइल के अंदर लानी होगी, हम कैसे उसको इम्प्रूव, ऐसी छोटी छोटी सी चीजें आप अपने अंदर स्टोर करते चले जाओगे ना, आप अलग ही चमकोगे सबके सामने, क्योंकि आपने अपनी ऐसी गुड हैबिट्स अपने अंदर डाल ली है कि सुबह मुझे अच्छे से सुबह मॉर्निंग में उठना, तो उठना है भाई मेरे को मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में उठ के भाई पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर उसके बाद में मैं एक बुक रीड करूंगा, फिर घर का काम करूंगा, घर वालों की हेल्प कराऊंगा, उसके बाद में मेरे को अपना प्रैक्टिस करनी है पढ़ाई के, मेरे को 1 घंटे 2 घंटे बैठना है, फिर मैं अपने भाई बहनों के साथ में खेलूंगा, फिर उसके बाद में मैं ये करूंगा, समझ ये कैसे ये बनाओगे ना। मैं बोल रहा हूँ आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देख लेना अपने अंदर, 1 महीने के अंदर रिजल्ट कहाँ पहुंच जाओगे, और जब तक आप 11 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, लोग तो 11-11 बजे तक सोते रहते हैं, आधा जीवन तो आपने वहीं पे अपना जी लिया, खुद सोचो, वो तो आधी जिंदगी अपनी सोने में ही निकाल दी, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, पर जो रात को काम करते हैं उनकी बात दूसरी है, वो तो चलो समझ में आता है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है बेटा आपके पास में, जवानी है, मेहनत नहीं करोगे तो बुढ़ापे में करोगे, जब घुटने जवाब दे देंगे, अभी मेहनत कर लो अच्छे से और आगे आराम से। अगर आज धूप में तुम घूम रहे हो तो एसी में भी तो तुम ही बैठोगे, आज भूखे पेट तुम हो तो बाहर पेट खाना भी तो तुम ही खाओगे, कोई दूसरा थोड़ी खा लेगा, आप खाओगे आपके फैमिली वाले खाएंगे, है ना। क्लियर हुआ, तो हार नहीं मानना है, वो मेहनत करनी है। रही बात घर वालों की, पेरेंट्स की, तो उनसे बात करके देखना, तो कोई ऐसे उन्हें समझाओगे बेटा समझ में आएगा। अभी तो मैंने आपसे फर्स्ट क्लास ही लिया, कितना माइंड चेंज हो जाएगा ये क्यों नहीं सोच, जो कि मैं बातें करता हूँ जो मैंने देखे हैं लाइफ में उनके बेस पे बोल रहा हूँ, कोई ऐसी किताबें बातें नहीं है जो मैंने अभी आपको समझाई ना, ये सब चीजें रियल प्रैक्टिकली होता है लोगों के साथ में, जिनके सोल्यूशन मैं आप देता हूँ, ठीक है, उन्हें इम्प्रूवमेंट भी आता है। यहाँ पर तो हम समझाएंगे ना यार, कोई बच्चा पैदा होता है उसे क्या पता होता है, तुम एक बात बताओ, कोई बच्चा पैदा होता है पूरी दुनिया हर किसी को नहीं पता, बहुत से तो ऐसे 50-50, 60-60 साल की उम्र में जाके पता चलता है उन्हें, हर चीज नहीं होती हमेशा, ये नहीं सोचना चाहिए भाई हमें नहीं पता, अबे नहीं पता तो अब पता चल गया, इसमें क्या शर्माना, कोई बोले भी ना तुमसे कोई चीज नहीं पता है भाई तुझे नहीं पता, नहीं पता तू बताना, तू किस लिए तुम बताओ भाई, नहीं पता सीधा भाई मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, नहीं पता BFA क्या होता है, इतनी सारी वीडियोस है वो दिखा देना मेरी, समझ में आए बेटे, एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो बल्ले बल्ले है, समझ लेना मेरी बात, कहीं भी आराम से अच्छा मेहनत करोगे किसी भी स्कूल में और उसमें टीचर लग जाओगे आराम से, और अपना इंस्टीट्यूट खोलो, बहुत सारे यार बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, लोगों को पता ही तो नहीं है, और ना पता होने की वजह से ही इतने सारे इसमें ऑप्शन है कि लोग वहां जा ही नहीं पाते और वो खाली पड़ी रहती है चीजें, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों को यही नहीं पता, क्योंकि नहीं पता तो उस तरफ जाते नहीं, तो वो तो चीजें खाली नहीं, डिमांड तो है ना वहां पर उस चीज की, तो ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप, हर कोई बताता नहीं है चौड़े में ऐसे, क्योंकि मेरे को खुद गाली पड़ती है YouTube पे के भाई तू क्यों बता देता ये है वो है, हमारा काम खराब कर रहा है, ये सब बता दिया तूने, कितनी कितनी गालियां खा के फिर भी मैं बता दूं, चलो कोई नहीं यार भला हो जाए, और वो तो जब आप अभी कंटिन्यूअस जब क्लास लोगे तो बहुत सारे तो मैं ही बता दूंगा आपको कैसे कैसे क्या स्टेप लेने, और मैं बता रहा हूँ जहाँ जिस जगह पे आप बैठे हो ना, UK में, UK उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम UK, तो वहां पर बहुत डिमांड है और वहाँ है नहीं कोई, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चे पढ़ा चुका हूँ उत्तराखंड के, काफी बच्चे पढ़ा चुका हूँ मैं, यहाँ के नहीं बहुत पढ़ा चुका हूँ मैं, इवन मैं इंडिया से बाहर के भी बच्चे पढ़ा चुका हूँ, हमारे इंडिया से बाहर के भी बच्चे पढ़ा रखे हैं, और वो भी वहां तक भी हमारी वीडियोज है, मेरी वीडियोज देखो आप, तो वहां तक के भी बच्चे आ रहे हैं यार, ऑब्वियसली तो बहुत सारी चीजें ऐसी, तो मेरे को पता है हरीश भाई इतने टाइम से हम इस फील्ड में, तो हमें पता है इस फील्ड का कहाँ क्या डिमांड है क्या नहीं है, भाई मैं लव कुमार सोनी एक ही तो हूँ, मैं चारों तरफ थोड़ी ना पहुंच सकता हूँ, तो भाई मैं ऐसे ऐसे बच्चे तैयार करूंगा तुम्हारे जैसे, भाई शिष्य क्या होते हैं यही तो होता है, गुरु के शिष्य भाई वो स्प्रेड करते हैं फिर उस चीज को, तो वो चीज समय बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे वहां पर अगर ध्यान से समझोगे तो, मैं खाली यही नहीं, मेरा बिजनेस भी बिजनेस के हिसाब से
भी मेरा माइंड है, मैं बहुत टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ, समझ गए। तो मेरे को छोटी छोटी बारीकियां हैं और काफी चीजें हैं जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ और समझता रहता हूँ, जो मेरे मेंटोर है मेरे को सिखाते रहते हैं इस चीज के बारे में। तो ये छोटी छोटी सी बातें, जब तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ इस चीज को लेके, अब बहुत फर्क पड़ेगा बेटे। ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेक्शन हो जाएगा ना, बढ़िया हो जाएगा हिसाब। तुम आज मेरे से सीख लो, आपको समझ में आ गया ये वो स्केचिंग ऐसे होती है, भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे, कभी भूल ही नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ। तो बेकार हुआ क्या वो? आज एक फोन ले लो उतने में, 15-15, 20-20 हजार के तो फोन ले लेके घूमते हैं। फोन हो गया, ये ले हो गया, वो हो गया, भाई हाँ ठीक है, जरूरत है तो आप करो अगर आप पे, पर उस चीज को क्यों काट रहे हो आप कि नहीं यार ये, क्योंकि वो चीज दिखती नहीं है ना, ज्ञान दिखता नहीं है। लोगों को आदत हो रखी है शो ऑफ की, महंगे जूते महंगे, पर महंगा कोर्स कर लेगा तो दिखेगा थोड़ी, समझ गए मेरी बात? तो दिखाने वाली चीजें इस पे मत जाओ। आज हम पैसा कमा रहे हैं, आज हम सक्सेसफुल हैं, किस बेस पे हम सक्सेसफुल? ज्ञान के ऊपर ही तो, नॉलेज के ऊपर ही तो। तुम क्यों आए हो भाई मेरे पास में, क्यों तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट करा क्लास के लिए? अगर मैं यूं ही होता, मैंने अरे मैं भी यूं घूम रहा होता ऐसे इधर उधर, मैं अपना, क्योंकि मैंने अपना टाइम दिया, मैंने मेहनत किया हुआ होगा ना, जो अब मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ उस वैल्यू के हिसाब से आप मुझे, तुमने मेरे को पेमेंट करी, यही तो चीज। अब जब तुम मेरे जैसे बन जाओगे तो और लोग आएंगे ना आपके पास में। अब भाई आपके पास में कुछ है ही नहीं तो कौन आएगा आपके पास में, बताओ, माइंड लगाओ, नहीं है ना बेटे? ये सब ना चीजें रखी रह जाती हैं, ये मटेरियलिस्टिक। हर किसी को देख लो ज्ञान का ही पैसा कमा रहा, किसी को भी उठा के देख लो, बताओ किसी ने प्रोडक्ट बनाया, कोई नॉलेज से ही तो बनाया होगा वो, कैसी हवा में बन गया वो? कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई वैल्यू ही तो दे रहा है, वो चीज उसने बनाई होगी नॉलेज से, उस पर नॉलेज ही ना होगी तो कैसे करेगा वो? मेरी चीज समझ में आ रही है? आपके मदर फादर भी चाहे जॉब कर रहे होंगे, कोई नॉलेज होगी तभी तो एक्सपीरियंस नॉलेज वो वही चीज हो जाती है, उसके हिसाब से ही तो पैसे कमा रहे हैं। तो जितना ज्यादा इसमें स्टोर कर सकते हो ना, जितना ज्यादा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, यही सही टाइम है, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। टाइम इज द रियल मनी, यही आपकी रियल मनी है टाइम। टाइम एक बार चला गया ना बेटे, रोज आओगे, वापस नहीं आने का। पैसा खूब कमा लोगे, टाइम और सेहत हेल्थ प्रायोरिटी दो। हेल्थ अच्छी रहोगे तो ये भी चलेगा, क्योंकि दिमाग की एक्सरसाइज भाई से भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। अब आप सुबह उठ के दौड़ लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, बहुत अच्छा माइंड हो जाएगा आपका, क्योंकि फिर आप खाओगे भी और लगेगा भी, और दिमाग भाई इसकी कोई वैसा एक्सरसाइज थोड़ी है, वो तो हम जो टास्क करेंगे वो हो गया, लेकिन ये भी तो थक जाता है ना, तो इसे भी तो न्यूट्रिशन कहां से पहुंचेंगे? यहां से, जो हम खाएंगे अच्छा खाएंगे और अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ये भी तेज रहेगा, फटाफट इंस्टेंट कोई भी एक्शन लेने में सक्षम रहेगा, डरेगा नहीं, समझ गए? ये सब चीजें होती है। तो हेल्थ और अपना टाइम, इन चीजों पे ध्यान रखना, वेल्थ तो खुद ही आ जाएगी। घर वालों को समझाना इस चीज को लेके, जैसे आज हमने बात करी है, उनसे अगर ना समझ में आए, वीडियोस है मेरी काफी सारी, वो दिखा देना उन्हें, समझ में आएगा बेटे। मैं कह रहा हूँ फटाफट कर लो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि अब ये आ रहा है जनवरी फरवरी और मार्च में अपने वो निकलने शुरू हो जाते हैं कई दफा फॉर्म वगैरह, तो उस हिसाब से हमने करना है। और बाकी समझ में आ गया ना अच्छे से? आज काउंसलिंग भी हुई, मजा आया, आज माइंड खुला। तो बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे पास में जो मैं आपको दूंगा अभी आगे, ये हीरे मोती हैं, इनको पिरो के आपको माला तुमने बनानी है, मैं तो दे दूंगा आपको। तो अब कितने हीरे मोती तुम ले सकते हो, उतनी लंबी आपकी माला बनेगी। ये ज्ञान के हीरे और मोती होते हैं, और जो चीज जिसमें प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो मैं प्रॉपर आपका वो बनाऊंगा, ठीक है? हर बच्चे का मैं ऐसे ही बनाता हूँ, फिर उसके हिसाब से उसे ट्रीट करते हैं, क्या उसके अंदर अच्छी बात है, क्या उसके अंदर बुरी बात है, फिर प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगा, और 101% इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है? मेहनत आपने करनी है, जो आपका काम होगा वो आपको दिया जाएगा, और कनेक्ट आपने रहना है। तो मिलते हैं फिर, है? ओके, और नमस्ते बोल देना मेरी मम्मी पापा को, घर में सबको बोल देना मेरे नमस्ते, ठीक है? बाय। तो चलिए करते हैं इस क्लास को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।